अस्सलामुअलैकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूं इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइन। मोजा लंगे की रिहायशी खातून ने थाना कंजा पुलिस को इत्तला दी कि वो अपनी 17 साल बेटी के हमरा कंजा जा रही थी कि मुलजिमान आदिल नज़ीर वल्द नज़ीर अहमद सकना, नबील अहमद वल्द नसीर अहमद सकना, पहाड़ियाँ वाली और जैन अली वल्द जमुल हुसैन सकना ने हमें ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर रोक लिया और उसकी बेटी को ज़बरदस्ती अपने डेरे पर ले गए, जहाँ पर वहशी मुलजिमान ने उसकी बेटी के साथ गन पॉइंट पर ज़्यादती की। मुलजिमान ने ज़्यादती गोजरा में गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर में स्पेशल बच्चों के माँ बहन स्पोर्ट्स काला की तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें गोजरा के स्पेशल बच्चों ने मुख्तलिफ गेम्स में हिस्सा लिया और खूब लुत्फानंदोज हुए। खेलों में क्रिकेट, माजूर बच्चों की दौड़। तोबा टेक सिंह पाक फजाइया का तरबियती तैयारा गिर कर तबाह हो गया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक तैयारा मामूल की परवाज पर मसरूफ था कि तकनीकी खराबी के बाइस 495 और 496 मोटरवे के करीब खेतों में गिर कर तबाह हो गया। हादसे में तैयारे का पायलट मामूली जख्मी हुआ। वाकई के तलाम मिलते ही हसास इदारों और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। डीपीओ वकार शुएब अनवर कुरैशी पुलिस नफरी के साथ मौके पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियों और एहतजाज का सिलसिला जारी है। जिले इंतजामिया और एपका के जेर एहतमाम रैली निकाली गई, जिसकी कयादत डेप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड वक्कास रशीद और जिले सदर एपका तैयब भट्टी ने की। हबीबुल्लाह की बैटरी की दुकान पाक जापान का इफ्तिताह मुफ्ती मोहम्मद कासिम साहब ने किया। इस मौके पर तहसीलदार अब्दुल रजाक मियानी, सदर अंजुमन ताजरान मोहम्मद सादिक अचकसई, अंजुमन ताजरान के चेयरमैन बहादुर खान बानी, मोहम्मद हाशिम अंजुमन ताजरान, दुकानदारान जमाल शाह खान गफ्फार, SHO गिल मोहम्मद ऐवान, हाजी बारी अचकसई साहब, नईमा जात, मलिक ऐनुद्दीन, सिविल सोसाइटी बशीर खान काहिर, मोहम्मद सलीम, हाजी शकूर, हाजी वाहिद, पैरामेडिकल जनरल सेक्रेटरी रशीद अहमद और दीगर भी मौजूद हैं। आखिर में चेयरमैन हबीबुल्लाह ने 47 न्यूज़ ब्यूरो चीफ बलूचिस्तान इमरान खान पश्तून यार का अच्छी कवरेज पर शुक्रिया भी अदा किया। फिजाबाद के नौजवान कैसर जावेद को क्लर्क एसोसिएशन पाकिस्तान की तरफ से महकमा हेल्थ पंजाब का सदर मुंतखब कर लिया गया है, जिसकी हल्फ बर्दारी की तकरीब कल लाहौर में मुनक्किद की गई थी। इस नौजवान ने 2 साल अंथक मेहनत से महकमा हेल्थ के मुलाजमीन को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया है और इसने क्लर्कों के हुकूक के लिए मुतअद्दिद दफ़ा हुकूमती वफूद से मुलाकातें भी की हैं, जिन पर कई समरियाँ क्लर्कों के हुकूक की बनकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब को जारी की गई हैं। इस नौजवान ने पूरे पंजाब के हर ज़िले में जाकर महकमा सेहत के क्लर्क स्टाफ से मुलाकातें की हैं। डीपीओ ऑफिस खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद का खुली कचहरी का इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर फैसल शहजाद ने लोगों के मसाइल सुने और मौके पर मुतालिका पुलिस अफसरान को उनके हल करने के अहकामात भी जारी किए। लोगों को इंसाफ की बरवक्त फराहमी, अमन व अमान का क़याम, जराइम और मुनशियात का मुकम्मल खातिमा वाली तरजीह है। जराइम और मुनशियात के मुकम्मल खातिमे में अवामी तआवुन भी दरकार है, ताकि मुआशरती नासूरों का जड़ से किला कमा किया जा सके। मौजिज शहरी जराइम की निशानदही करें, फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खुली कचहरियों में लोगों की तरफ से मसाइल की निशानदही पर फौरी अजाला किया जाता है। डीपीओ हाफिजाबाद मोहतरम इफ्तिहार बिलाल के हुक्म पर जलालपुर कहना जामे मस्जिद में लगाई गई खुली कचहरी में SHO जनाब ज़ियाफ़त अली बाट लोगों के मसाइल सुन रहे हैं। हेडलाइंस आपने जानी, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 47 न्यूज़।